वेलकम टू TIMEZONEIAS। आपने लॉग इन किया है TIMEZONEIAS.com के यूट्यूब चैनल पे और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सफ़र। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो रेशियो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में डे बाई डे वो इंक्रीज़ हो रहा है। काफ़ी क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में ये टॉपिक। तो सफ़र के बारे में हम देखते हैं कि सफ़र है क्या बेसिकली। बेसिकली द सफ़र स्टैंड्स करता है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च, इसका एक शॉर्ट फॉर्म में सफ़र, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर में। सफ़र इज़ बेसिकली ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने बनाया है, एक नेशनल इनिशिएटिव है। और इसका पर्पज़ क्या है, बेसिकली कहाँ पे ये इंट्रोड्यूस होगा, कहाँ पे इंस्टॉल होगा? पर्पज़ एक ही है कि एयर क्वालिटी को मेजर करना। आपके आसपास एयर क्वालिटी कैसी है आपको कैसे पता पड़ेगा, इसके लिए सफ़र को इंस्टॉल किया जाएगा। और पहले टारगेट किया जा रहा है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को। जी हाँ, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ पे एयर क्वालिटी को मॉनिटर किया जाएगा बाय मेजरिंग द ओवरऑल पॉल्यूशन लेवल एंड द लोकेशन ऑफ द स्पेसिफिक एयर क्वालिटी ऑफ द सिटी। एक पर्टिकुलर सिटी है जैसे सपोज दिल्ली है, दिल्ली में अगर सफ़र का डिवाइस यहाँ लगा हुआ है तो ये यहाँ पे एयर क्वालिटी को मेज़र करेगा वो कैसी है और उसको डिस्प्ले भी करेगा। सिस्टम इंडिजीनियसली डेवलप हुआ है, ये पूर्णतः मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट है। और इसको बनाया है इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM। IITM मद्रास से कन्फ्यूज मत होइएगा, ये IITM पुणे में है। ये है इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, ठीक है। कई अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स अपार्ट फ्रॉम UPSC में पूछ लेते हैं कि IITM कहाँ पे है, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहाँ पे, ये पुणे में है। और इसको ऑपरेशनलाइज कौन करेगा, इसको ऑपरेशनलाइज करेगा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जी हाँ, IMD इसको ऑपरेशनलाइज करेगा। डे टू डे जो इसके फंक्शनिंग होगी वो IMD करेगा। और इसको बनाया है, इंडिजिनसली डेवलप हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे। इट ऑर्गेनाइज अवेयरनेस ड्राइव बाय एजुकेटिंग द पीपल बाय प्रॉम्प्टिंग सेल्फ मिटिगेशंस। जब ऑब्वियसली बात है, कोई डिस्प्ले बोर्ड पे आप देखेंगे कि आपके यहाँ की एयर क्वालिटी इतनी पुअर है, कैसी है, सेटिस्फैक्ट्री है, गुड है, तो आप उसको इम्प्रूव करने के लिए और सोचेंगे। जब डेटा अवेलेबल होगा एयर क्वालिटी का तो उससे कई सारे एडवांटेजेस मिलते हैं कि आपका जो डेटा है, डेटा से आप उसको क्या चीज़ उसमें यूज़ कर सकते हैं। पॉलिसी मेकर्स के लिए एक अप्रोच क्लियर होगी कि कैसे उसको हम एनालाइज करें, कैसे उसको और इम्प्रूव करें। इट ऑल्सो हेल्प्स द पॉलिसी मेकर टू डेवलप मिटिगेशन स्ट्रेटजीज कीपिंग इन माइंड द नेशन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सफ़र इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स ऑपरेशनल इन दिल्ली। ये दिल्ली में ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है ये सिस्टम और ये बता देता है आपको पहले कि कल कैसी क्वालिटी रहेगी एयर की, कल कैसा है, जो आप उसको प्री प्लान कर सकें, अपने प्रोग्राम्स को प्री प्लान कर सकें। और एयर क्वालिटी से एक अवेयरनेस बढ़ेगी। आप हो सकता है कि आप खुद कंट्रीब्यूट ना कर रहे हो, आपके आसपास कोई कंट्रीब्यूट कर रहा हो एयर पॉल्यूशन में, आप अवेयर होंगे तो उसको भी आप स्टॉप कर सकेंगे, उसको भी रोक सकेंगे या उसकी भी कंप्लेन कर सकेंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने जो सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर रिसर्च की बात की, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने एक काफ़ी चीज़ों को बहुत स्पेसिफिकली बताया। ये रिसर्च बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम है वेयर एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन गो हैंड इन हैंड विद नेशंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि क्या हमें रिसोर्सेज चाहिए, क्या हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ हम कैसे अपने एयर पॉल्यूशन को चेक कर सकें, एयर क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकें। ऑब्जेक्टिव क्या है सफ़र का, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सफ़र इज़ टू इंक्रीज अवेयरनेस। पहला है कि ये अवेयरनेस, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि नहीं सफ़र से एयर क्वालिटी इम्प्रूव हो रही, नहीं, एयर क्वालिटी तो जो है वो ये बताएगा, ये इम्प्रूव और उसको डिटेरियोरेट नहीं कर सकता, बट ये अवेयरनेस फैलाएगा। सफ़र इज़ टू इंक्रीज अवेयरनेस अमॉन्ग जनरल पब्लिक सो दैट द पीपल मिटिगेशन मेजर्स कैन बी पॉल्यूशन मिटिगेशन मेजर कैन बी टेकन। जब आप अवेयर होंगे तो आप खुद ही चेक करेंगे कि पॉल्यूशन आपके आसपास पॉल्यूशन कम हो, अगर आप नहीं कर रहे हैं या और कोई कर रहा है तो आप उस पर चेक्स लगाएंगे, आप उस पर कंप्लेन करेंगे और भी अदर स्टेप्स लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव सफ़र का क्या है, लोगों को अवेयर करना, इंक्रीज अवेयरनेस एमंग जनरल पब्लिक सो दैट द पॉल्यूशन मिटिगेशन मेजर्स कैन बी टेकन। नियर रियल टाइम डेटा रिकॉर्डेड एट द लोकल स्टेशन इज ट्रांसफर टू सर्वर एट सफ़र कंट्रोल रूम लोकेटेड IITM पुणे। IITM पुणे में इनका सफ़र कंट्रोल रूम है, वहाँ पे जो लोकली डेटा, जैसे दिल्ली में अभी ऑपरेशनलाइज है तो दिल्ली में सपोज़ ये मॉडल टाउन या मुखर्जी नगर में कहीं में इंस्टॉल होता है, तो ये वहाँ से डेटा लेके
ये वहाँ से डेटा लेके IITM पुणे के सर्वर्स पे ट्रांसफ़र करेगा, वहाँ पे फिर वो क्वालिटी चेक करेंगी टीम्स, जो IITM पुणे की टीम्स होंगी वो उसको क्वालिटी चेक करेंगी। वो साइंटिफिक डेटा होगा, जो डेटा एनालिसिस होगा उससे क्या सॉल्यूशंस हैं, कैसे और हम इम्प्रूवमेंट ले सकते हैं एयर क्वालिटी का, उस पर वर्क किया जाएगा। Dissemination of air quality, weather, climate and harmful UV radiations are made through press release, media conferencing, TV, radio, generating SMS, alerts, email, etc. तो एयर क्वालिटी के बारे में जो भी चीज़ें या वेदर या क्लाइमेट या हार्मफुल यूवी रेडिएशंस जिनके बारे में आपको जिनसे इफेक्ट पड़ता है उन चीज़ों को मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग, टीवी, रेडियो या SMS या अलर्ट्स या ईमेल्स के थ्रू आपको पहुँचाया जाएगा, आपको उसके डिटेल्स दिए जाएंगे जिससे आप अपने को सेव कर सकें और अपने लव वन को भी सेव कर सकें। बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया, एक इंटीग्रल पार्ट है इंडिया के एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम का, पहले से ही आपको बता देगा कि कल की एयर क्वालिटी क्या रहने वाली है, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट नहीं है और एयर क्वालिटी अगर बता रहा है सफ़र की कल आपके यहाँ एयर क्वालिटी बहुत पुअर रहने वाली है, तो आप कुछ चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी इनका यूटिलाइजेशन करती है, डे टू डे रूटीन में देखती है, अगर कल बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी पुअर की प्रेडिक्शन है तो गवर्नमेंट हॉलीडे डिक्लेयर करती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन से जो सफ़र करते हैं वो करते हैं हमारे यंग वंस और ओल्ड वंस। ठीक है, एडल्ट जनरेशन या मिडिल एज पर्सन को उतना इफेक्ट नहीं होता जितना एक यंग और ओल्ड पर्सन को होता है, तो बच्चों की छुट्टी हो जाती है। एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि वो बाहर निकलें या ना निकलें। तो इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट एयर क्वालिटी अर्ली मॉर्निंग सिस्टम ऑपरेशनल इन दिल्ली। इट विल मॉनिटर ऑल वेदर पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन, नॉट इवन इन पॉल्यूशन, सारी चीज़ें मेजर करेगा, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी भी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है और इसके एस्पेक्ट्स, इसका बहुत वाइडर प्रॉस्पेक्ट है इसके, अगर आप समझेंगे सफ़र के पॉल्यूटेंट्स जो, अगर स्पेसिफिकली आप पॉल्यूशन की बात करेंगे तो कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स ये मॉनिटर करेगा, ये PM1, PM2.5, PM10, ओजोन, CO, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन, बेंजीन एंड मरकरी, ये सारे पॉल्यूटेंट्स को भी ये मॉनिटर करेगा। अच्छा, बेंजीन के बारे में बात करेंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या बेंजीन को अगर हम AQI में कवर करते हैं क्या नहीं करते? AQI हाँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम 6 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं AQI को, और 8 पॉल्यूटेंट्स हैं जो उसके अंडर में आते हैं, लाइक ओजोन, ग्राउंड लेवल। तो क्या बेंजीन उसमें कवर होता है कि नहीं होता, क्योंकि बेंजीन पॉल्यूशन का बहुत बड़ा सोर्स है। आप ये चीज़ मुझे कमेंट करके बताएंगे बेंजीन उसमें कवर होता है या नहीं होता। उसके बाद हम लेक्चर लेके आएंगे AQI पे, क्योंकि AQI बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इसका वाइडर प्रॉस्पेक्ट है। बट आप तब तक कमेंट करके बताइए कि AQI में बेंजीन कवर होता है या नहीं। और ये मॉनिटर्ड मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स जो कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स को बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, वो प्रेडिक्शंस करते हैं कि कल का दिन कैसे होने वाले, आगे वाले 10 दिन कैसे होने वाले, 3 दिन कैसे होने वाले, जो टाइम टू टाइम, जिसका एडवांटेज हमारे फार्मर्स को एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस में बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों में होता है। तो जैसे कि UV रेडिएशन प्रेडिक्शन, रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, सोलर रेडिएशंस, ये सब भी ये मॉनिटर करेगा। सफर सिस्टम वुड बेनिफिट कॉस्ट सेविंग टू सेवरल अदर सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, मैंने आपसे कहा एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, एविएशन में, फ्लाइट्स एंड ऑल में, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, टूरिज्म में, टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गेट्स अफेक्टेड बाय द एयर क्वालिटी एंड वेदर। तो ये कोर सेक्टर्स हैं जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं एयर क्वालिटी और वेदर से, इनको सफ़र से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। बेसिकली जो सफ़र की बात करेंगे, अगर हम सफ़र का जो लेआउट होगा वो इस टाइप का होगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ डिस्प्ले में, सफ़र इंडिया क्वालिटी एयर क्वालिटी सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इसका लोगो है, और ये नो क्वालिटी ऑफ एयर यू ब्रीथ, आप जानिए कि कैसी हवा में आप सांस ले रहे हैं। अभी आपसे पूछा जाए तो आपके पास रियल टाइम डेटा नहीं होगा, जब इसका लेआउट ये करेंगे आप तो देखिए 24 फरवरी 2014 ये इन्होंने दिया हुआ है, करंट एयर क्वालिटी क्या है, पुअर है, PM10 कितना है, AQI कितना है, 290 AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स। इस पर हम एक और लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम इसको डिटेल में कवर करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स, क्योंकि अगर आप पॉल्यूशन के बारे में, एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ें और आपको AQI नहीं पता तो इट्स जस्ट लाइक कि आप को नाउंस नहीं पता और आप ग्रामर सीखना चाह रहे हैं। टुमारोज़ फॉरकास्ट की बात है, ये भी देखिए कितना
बहुत सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने बहुत सिंपल सा लेआउट है, यूज़र फ्रेंडली लेआउट है, और इसमें अगर आप करेंगे तो मोबाइल पे भी इसको कर सकते हैं क्योंकि इनका ऐप भी है सफ़र का, इसको आप यूज़ करिए आपने, अगर आपके पास ये कहीं इंस्टॉल होगा तो आपके लोकल एयर क्वालिटी को भी ये बताएगा। तो सफ़र के जो प्रोज एंड कॉन्स हैं वो आपको मैंने बताया कि सफ़र का यूज़ क्या है, सफ़र का फुल फॉर्म क्या है, सफ़र मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर में आता है, इंडिजीनियसली डेवलप किया है IIT पुणे ने, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसको ऑपरेशनलाइज करता है। सफ़र का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कई सारे कोर सेक्टर्स में, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, एविएशन, इन सब में, और आप ये भी समझिए हॉस्पिटल्स वगैरह की एयर क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट एक क्रूशियल रोल प्ले करती है, एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है एयर क्वालिटी, तो ये सारी चीज़ें मॉनिटर करेगा। और एयर क्वालिटी के साथ मैं आपको बता दूं एयर पॉल्यूशन पे हम बहुत डिटेल में एक लेक्चर कवर करेंगे, AQI भी हम कवर करेंगे। एयर पॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आजकल आप देख रहे होंगे एयर पॉल्यूशन के नाम पे कंपनीज और एडवर्टीजमेंट में केवल और केवल एयर फिल्टर्स आ रहे हैं। एयर फिल्टर क्या है, क्या हैपा फिल्टर के थ्रू आप एयर फिल्टर्स बना सकते हैं, आप इन सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में हम कवर करेंगे। और बेसिकली हर एक चीज़ की रिक्वायरमेंट अलग होती है, क्या आपके यहाँ ग्रीनरी है तो आपके यहाँ एयर पोल्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता, कि ग्रीनरी है तो इसका मतलब पोल्यूशन नहीं होगा वहाँ पे, ऐसा नहीं है। कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं, ग्रीनरी इस बात की गारंटी नहीं देती है कि एयर पोल्यूशन नहीं होगा। कुछ प्लांट्स होते हैं जो एलर्जिक होते हैं जिनसे एस्थमेटिक पेशेंट्स को एलर्जी भी होती है। तो काफ़ी सारी चीज़ों को आप डिटेल में एयर पोल्यूशन की क्लास में डिस्कस करेंगे हम। तब तक के लिए आप सफ़र को एक बार पेन डाउन करिए और उसको रिवाइज करिए, होपफुली आप 2020 में अपना एग्जाम निकालिए। गॉड ब्लेस यू। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।